कि आप बिहार में आना क्यों पसंद की डीपीएससी देने के लिए? सर मेरा सिविल सर्विसेज में आना है, ये मैंने तय कर लिया था अपने थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन। उसके बाद एक मेरा ये पर्पस है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार पुलिस सर्विस। ये मुझे लगता है कि पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट करती है, ये बच्चे हो, वीमेन हो, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, या फिर कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और पुलिस, इसलिए मुझे ये सर्विस बहुत पसंद है और इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिटर्न द सोसाइटी, टू गिव बैक सोसाइटी समथिंग। सर मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बट मुझे लगता है कि मेरी एप्टीट्यूड ज्यादा बेटर सुटेड है बिहार पुलिस सर्विस के लिए। बिहार पुलिस के किस एप्टीट्यूड को आप करते हैं? सर मैं चाहूँगा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर में एक सबसे बेसिक जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कंपैशन होना चाहिए, कंपैशन एक संवेदनशील होनी चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए और एक टीम वर्क वर्कर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारे एप्टीट्यूड मेरे में है तो वो बेस्ट सुटेड है पुलिस सर्विस के लिए। सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी, यस सर। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्राइमरी मोटिव है और उसके बाद अगर इन केस कोई विश्वेता रहता आने वाला है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला है उसमें भी अगर प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं। प्लीज कॉम्युनल वॉल्यूम कॉम्युनल विवाद क्या कीजिएगा? सर कम्युनल विवाद का मैं तो सबसे पहले ये करना चाहूंगा कि डैमेज मिनिमम हो सके, जो जिस कारण हुआ है वो तो मैं बाद में देखूंगा कि अगर वो जो भीड़ भड़क रही है वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह से उपद्रवी बन रहे हैं, वो वायलेंट हो रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, जो भी मैन फोर्स है या फिर जो भी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट है उसके साथ मैं मिनिमाइज करना चाहूंगा डैमेज को। इसका कारण सर एक तो ये भी हो सकता है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स गलत इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में फैला रहे हैं उनके कारण हो सकता है, और हो सकता है कि उस कम्युनल वायलेंस का कोई बेसिस भी ना हो फिर भी फैल रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके भी हम लोग ये बताओ कि बिहार के विकास के लिए तुमको क्या लगता है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट शुड बी डन? सर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, I am asking you a general question. I don't know which perspective you will answer it from. लेकिन आप बताओ, विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो लॉन्ग रन के लिए हमें एजुकेशन का फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। वो एजुकेशन ही है जो हर तरह से उसका स्पिल ओवर इफेक्ट में सबसे ज्यादा होता है। वो एजुकेट करेंगे तो वो सब तरह से बिहार में कंट्रीब्यूट करेंगे। इन शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट हमारा प्रॉब्लम है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि स्किलिंग करें, अप स्किलिंग ऑफ स्किल्स। तो वो जो अभी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स है जिनको कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयबल है, डिग्री तो है उनके पास लेकिन वो उनके पास स्किल नहीं है काम करने के लिए, उनकी स्किल तो ठीक है, एक एजुकेशन तुमने कह दिया, उसके बाद आप स्किलिंग सर। और दूसरा सर महिलाओं का भी उत्थान करना चाहिए, ऑल्दो कि हमारे गवर्नमेंट ने, बिहार की गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड की है लेकिन अभी भी महिलाओं का जो उनका एम्प्लॉयमेंट रेट, तुमने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है? यस सर। C plus I plus G जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है ना? यस सर। कि व्हाट इज C? कंजम्पशन। I इन्वेस्टमेंट। एंड G? ग्रॉस इनकम। हैं? ग्रॉस इनकम। सर आई एम नॉट श्योर बट दिस इज व्हाट आई कैन रिमेंबर। तो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें? यस सर। कहाँ से आएगा इन्वेस्टमेंट? सर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर हम सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे फैक्ट्री तभी लगाएगी जब उन्हें पता रहेगा कि उनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिहार में इजिली हो सकता है, उनको 24/7 पावर सप्लाई मिलेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगी, तो इन्वेस्टमेंट तभी आएगी। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बिहार का अच्छा होना चाहिए तभी इन्वेस्ट कोई भी कंपनी यहाँ पे करने वाली है। बिहार की छवि बिहार से बाहर अन्य राज्यों में अच्छी है, बुरी है या ऐसी मध्यम टाइप? सर अनफॉर्चुनेटली बुरी है। बुरी है, क्या कहते हैं लोग बिहार के बारे में? बुरी है तो क्या हम समझते हैं? सर अनफॉर्चुनेटली बिहार को बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड स्टेट मानते हैं बाहर के, जबकि है नहीं। है कुछ
अगर वो तात्पर्य पे देखा जाए, कुछ स्टैंडर्ड्स पे देखा जाए तो है, क्योंकि बिहार में एजुकेशन रेट सबसे कम है, लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है, तो वो पूरी तरह से वो सही नहीं है। जिस तरह से वो बिहारी को स्टीरियोटाइप करते बाहर में, वो तो सही नहीं है। और बिहारी का छवि तो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जितना बिहारी डिजर्व है। बिहार के छवि को मतलब इस तरीके का बनाने में और भी कुछ योगदान है किसी और क्षेत्र से, किसी और मीडियम से? सर इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि एक न्यूज मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो बिहार बिहार का सिर्फ निगेटिव आस्पेक्ट ही दिखाते हैं, जो पॉजिटिव भी है बिहार में वो नहीं दिखा पाते हैं। तो बाहर के लोग जो बिहार को नहीं जाते, बिहार में कभी नहीं आए, उनका यही पर्सपेक्टिव रहता है कि जो न्यूज मीडिया दिखा रहे बिहार में बस यही है। न्यूज मीडिया अगर गलत पर्सपेक्टिव में दिखाएगी तो उसका प्रतिवाद करना भी तो हमारा संस्कार बनता है ना, हमारा धर्म बनता है। कोई करता है प्रतिकार? सर मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई तो करता होगा, बट उनकी आवाज नहीं करता होगा। तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हो तो तुम करोगे प्रतिकार? यस सर। कैसे करोगे? सर इसके लिए तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा। कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो बिहार एक सबसे अच्छा तरीका। तुम तो पहले आदमी नहीं हो जो कहेगा कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। कितने सारे टेक्नोलॉजी से पास किए हुए लोग घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। इज देयर एनी अफर्मेटिव पॉजिटिव न्यूज सर्कुलेटिंग ऑन बिहार? सर इफ इट इज नॉट देन व्हाई? व्हाट वुड माय स्टेप? दैट्स यू, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। मैं तुम तो जब आओगे तब करोगे, लेकिन ये बात तो स्वीकार कर रहे हो ना कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे बिहार के सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं। yes, जो NIT तो छोड़ दीजिए, IIT के पढ़े हुए, MIT US में भी पढ़े हुए, करता है कोई? सोशल मीडिया पे उदाहरण मुझे बता दो जिसमें कि बिहार के लिए अफर्मेटिव और पॉजिटिव न्यूज नहीं ब्रॉडकास्ट जो भी कह लो होता है। सर ये एक एफर्ट तो बिहार गवर्नमेंट का ही मैं बोलना चाहूंगा, जो बिहार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। छोड़ो यार, वो कौन जानते हैं क्या टूरिज्म के लिए कर रही है सरकार। सर और कोई एफर्ट तो मैं नहीं, नहीं है ना। सब सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल हो गया, तो कुछ तो हुआ नहीं, आप क्या करेंगे? सर पुराने जनरेशन के जो टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं उनका एफर्ट तो नहीं बता सकता। छोड़ो अभी इसके बारे में सोचना, जब इंटरव्यू में जाओगे तो उसके पहले इसके बारे में जरा बढ़िया से सोचना, ठीक है? मुझे एक बात का बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन, इस बार एशियन गेम्स में तुमको क्या लगता है इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? सर उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 100 मेडल जीत लेंगे इंडिया। अभी जीती नहीं है, 100 मेडल अभी 100 पर नहीं पहुंचा है आंकड़ा, आज पहुंच जाएगा। अभी कहना मुश्किल है सर। अभी कितना मेडल मिला? सर जब मैंने चेक किया था लगभग 70 के अराउंड, 73 था जब मैंने लास्ट चेक किया था। पिछले साल चेक किए थे क्या? नो सर, शायद कल या परसों चेक किया था। So you get the lesson which I am trying to tell you. Yes. It's not 70 medals, it has already reached more than 90. 95. Hai na? Chaliye. Thank you. Hello everyone. Mera naam Vivek Arya hai. Abhi maine just BCW mein mock interview maine complete kiya hai. Aur BCW se main lagbhag 1.5 saal se juda hua hu. Maine 67 BPSC prelims ke liye jo maine preparation kiya tha, isme bahut sare sections maine BCW ke videos ke through cover kiya tha. ये लंबा सफर था, मेंस में भी मैं इनसे जुड़ा रहा, अब फाइनली इंटरव्यू में भी इनसे जुड़ा हूँ अपॉर्चुनिटी। अभी जस्ट मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया, मुझे बड़ा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस लगा। एक्स रिटायर्ड ऑफिसर मेरा नहीं है अभी जो चेयरमैन था, और बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, मुझे डायलेमा में डाला, बहुत सारे थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में मुझे डाला। ट्राई कर रहे थे कि रियलिस्टिक सिचुएशन जो मेरे रियल BPSC इंटरव्यू होगी वैसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए मेरे लिए, और मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी उससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा ओवरऑल फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा। मैं अच्छा बुरा तो नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस था, मुझे जैसा लग रहा है कि ऐसा ही वहाँ भी फील होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।